और हजारों की तादाद में भी आपने देखा होगा, काफ़ी लोग आए हैं। देखिए बिसलपुर बांध लबालब हो गया, अजमेर वाले देखते हैं अखबार के माध्यम। आज दो तीन सालों से छोटे छोटे ज्ञापन देने के पश्चात हमें लगा कि सरकार की नींद नहीं खुल रही है, उनकी आंखें नहीं खुल रही है और उनकी पट्टी बंधी हुई है, उसको खोलने के लिए, उनको जगाने के लिए आज हल्ला बोल कार्यक्रम किया है हमने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों का, रोजगार जो अपने रोजगार पर जाते हैं उनका, किसान वर्ग का, व्यापारी वर्ग का एक धरना प्रदर्शन किया है। उसका मुख्य उद्देश्य हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था हो, हमारे क्षेत्र में पट्टे की व्यवस्था हो, हमारे क्षेत्र में जो बिजली की अतिरिक्त बिल लिया जा रहा है उसको कम किया जाए, हमारे क्षेत्र में जो बारिश से या इनके खराब मैनेजमेंट से रोडों में खड्डे हैं उनको भरने के लिए, इन सब का ज्ञापन देने के साथ साथ और भी हमने वो ज्ञापन दिए हैं जो सरकार ने ये कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूँगा। उन सब बातों का ज्ञापन देने के बाद हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं ये 7 दिन के अंदर अंदर आपके सारे काम चालू करा दूँगा, ये आश्वासन लेकर हम लोग जा रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा है अगर काम नहीं हुआ तो आने वाले 15 दिन के हम 20 से 50 हज़ार आदमी कलेक्टर को घेरेंगे और इस दोहरी नीति सरकार का चेहरा और चरित्र उजागर करेंगे। इसी बात को कहकर हम एडिशनल कलेक्टर साहब को अभी कह के आए। क्या मांगे बस, मुख्य मांग हमारी, मुख्य मांग तो दो चरणों में है। एक तो छोटी छोटी मांग है कि हमारे शहर में चारों तरफ जो खड्डे हो रहे हैं सीवरेज या किसी लाइन खोदने से, वो खड्डे का पैचवर्क कर दे, हमारे पानी की जो दुर्दशा है सप्लाई की उसको ठीक कर दे, 24 घंटे में नहीं तो 48 घंटे में निश्चित समय में निश्चित प्रेशर से हमको पानी दे दे, टाटा पावर जो अतिरिक्त बिल ले रहा है उसको कम कर दे, और साथ में जो पट्टे के विभिन्न श्रेणी के पट्टे जो दिए जाने हैं जो हमने ज्ञापन में इनको बताया है वो हमारे पट्टे शीघ्र अतिशीघ्र कैंप लगा कर करें, अन्यथा ये बात स्पष्ट कर लें कि आपका चाल और चरित्र में फर्क है, ये सरकार को निश्चित करना है, या तो काम करना है या मना करना है। ये बात हमने आज एडिशनल कलेक्टर साहब को कही और भी काम हमने बताए, हमारे रिंग रोड बनाने का, हमारे अजयपाल जी का रोड बनाने का। आज आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ, अजय सर करेगड़ी में चारागाह जमीन को इसको वन क्षेत्र की मानकर वहाँ पर निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। यानी मतलब हमने हमारे क्षेत्र के ज्वलनशील अनेक मुद्दों का ज्ञापन आज दिया है हमने, ये आपके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं। ठीक है, सुन लूं। हाँ। सालों से जो अजमेर उत्तर की जनता और वास्तव में अजमेर ज़िले की जनता जिन समस्याओं से रोज मुखारविंद होती है, जो रोज़ फेस होती है, वो है मुख्य समस्या पानी की। तो पीने के पानी के लिए आज जनता रोड पे उतर चुकी है साहब, और हजारों की तादाद में भी आपने देखा होगा, काफ़ी लोग आए हैं। देखिए बिसलपुर बांध लबालब हो गया, अजमेर वाले देखते हैं अखबार के माध्यम से, खुशी आती है, लेकिन वो खुशी वापस दुख में बदल जाता है जब पता चलता है कि यार अब तो पानी आएगा। एक दिन हो जाता है, दो दिन हो जाता है, तीन दिन हो जाता है, और पाँच पाँच छः छः दिन में भी पानी नहीं आता है। 100 लीटर पानी, 200 लीटर पानी आता है। तो यार भैया ये स्थिति है, पीने का पानी नहीं है शहर में। हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेताओं की पता नहीं कार्यकुशलता यही है, उपलब्धि यही है, जो बिसलपुर जैसे बांध जो अजमेर ज़िले और टोंक ज़िले के लिए बना था वो पानी जयपुर जा रहा है, रोक नहीं पाए। टाटा पावर कंपनी है, टाटा पावर कंपनी प्राइवेट कंपनी, पैसे कमाने के उद्देश्य से आई हुई कंपनी, वो अजमेर में आ गई जहाँ सब्सिडी पूरे राजस्थान को मिल रही है, वहाँ पर अजमेर के लोगों का बिल, घरों का बिल बढ़ चढ़ के आ रहा है। तो देखिए कितनी विडंबना है, वो सारी बात को आज जनता का मन डोला है, और मैं कह रहा हूँ जनता का मन बोला है ना तो बड़े बड़े सिंहासन भी डोला है, तो आज सिंहासन डुल चुके हैं। और वास्तव में अभी एडीएम सिटी ने निश्चित तौर पे हमें ये बोला है, देखिए मैंने कहा उनको आश्वासन वाश्वासन तो भैया नेताओं का हमें हम लेते नहीं है, जनता ही भी है ना, तो जनता को तो आपको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने एक्शन लिया, तुरंत फ़ोन किया PHD के जो भी एक्शन उनको, और उनको बोला 48 घंटे में कैसे भी करके आप व्यवस्था सेट करो, 48 घंटे में पानी मिलना चाहिए, टाटा पावर के बिल सब्सिडी मिलनी चाहिए, टाटा पावर के जो यूनिट्स हैं चार्ज है उसको घटाएं, सर चार्ज को घटाएं, और जो भी खड्डे रोडों पे हो रखे हैं गाँव में कच्ची बस्तियों में कहीं पर भी उन खड्डों को त्वरित भरा जाए। और ADA और नगर निगम जो पट्टों की गेंद बना रखी है ना, नगर निगम डाले ADA के पाले में, ADA डाले नगर निगम के पाले में, उसको भी एक जगह रोक के जो पट्टे देने वाली कंपनी है उसको पट्टे देने चाहिए, और पट्टे मिलना वास्तव में ज़रूरी है। 48 कच्ची बस्तियाँ हैं साहब और 7 गांव है, मिलने चाहिए पट्टे।